कभी अगर आंसर होता है ना, आपको जो भी चीजें समझ में आती हैं आप अपने ऑप्शन के थ्रू वहां पर आंसर करते रहें जो भी आपको पता है, ठीक है। तो आप एक बार अगर सेशन को देख पा रहे हैं तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए। और पहला आपके सामने यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट ले लिया है, आप भी अपने आंसर करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एन अंडर हैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। मतलब देखिए अगर मैं बात करूँ ना आपसे, आपने काफ़ी ऐसे सवाल देखे होंगे कि एक ऐसा क्लेवर प्लान होता है या फिर एक ऐसा यू नो एक्शन और मूवमेंट होता है जहाँ पर आप किसी को एडवांटेज देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक अंडर हैंड डिवाइस जो होती है वो क्या कोशिश करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी को हम मिसकंडक्ट के थ्रू जस्टिफाई कर पाए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है मैन्यूवर। मैन्यूवर का एक्चुअली में जो अर्थ होता है वो क्या होता है, किसी की चाल या फिर किसी का कौशल, ठीक है, यानी कि किसी का क्लेवर प्लान। तो ये आपका वर्ड होता है मैन्यूवर। इसकी स्पेलिंग देख लेंगे क्योंकि इसकी स्पेलिंग यूजुअली एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए पहला वर्ड दिया गया है क्या, सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का एक्चुअली अर्थ होता है जब, जैसे आपने सुना होगा ना, किसी के साथ छल करना। तो एक्चुअली में जो इसका हीनिंग अर्थ होता है वो होता है सब्टरफ्यूज, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे एक सीक्रेट बोल सकता हूँ जिसे हम डिसऑनेस्ट वे में आगे करते हैं, या फिर आपका तरीका जहाँ पर आप छल करने की कोशिश करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, सब्टरफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजम। स्ट्रैटेजम का एक्चुअली अर्थ होता है जैसे आप किसी को चकमा देखते हैं ना, चकमा देने वाला जो फॉर्म होता है उसे हम स्ट्रैटेजम बोलते हैं। किसी को चकमा देना, किसी के साथ चाल खेलना, किसी को धोखा दे देना, उसे हम बोलते हैं स्ट्रैटेजम। नेक्स्ट देखिए आपका कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी का अर्थ हो जाएगा जैसे हम, आपने सुना होगा ना भाई, इसी के इसके साथ आपकी मिली भगत है, ठीक है। तो कॉम्प्लिसिटी का एक्चुअली में जो अर्थ होता है वो होता है मिली भगत, यानी कि एक्टिंग ऑफ इस तरीके का पार्ट कि भाई आप किसी दूसरे के साथ मिलकर किसी क्राइम को अंजाम दें, तो उसको हम यहाँ पर वन वर्ड यूज करते हैं क्या, कॉम्प्लिसिटी। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया है इम्पॉसिबल टू बी डिस्क्राइब। तो देखिए अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, वो होगा आपका इनएफेबल। इनएफेबल का अगर मैं हिंदी के लिए बताऊं, ये होता है आपका अकथनीय। मतलब आप इसको लेके कथन ही दे पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे कि भाई मैं कैसे बताऊं, ठीक है। आपने देखा होगा कि यार मैं कैसे ही बताऊं तुम्हें, समथिंग विच इज टू ग्रेट या फिर इट इज ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, उसे आप बोल देंगे इनएफेबल। पहला वर्ड है आपके पास यहाँ पर क्या, मिराकुलस। मिराकुलस हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है, यानी कि समथिंग विच इज लाइक अ मिराकल, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी लकी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिनोमिनल, वो आपका क्या हो जाता है, मिराकुलस हो जाता है। नेक्स्ट आपका स्टुपेंडस। आपने देखा होगा ना वो नचबलिए करके वो आते थे, वो गीता माँ करके वो बोलते हैं ना स्टुपेंडस, ये वो, ठीक है। तो वो स्टुपेंडस जो ये वर्ड होता है, इसका अर्थ आपका क्या होता है, इसका होता है उम्दा, बेहतरीन, ठीक है। तो स्टुपेंडस का अर्थ होता है उम्दा, बेहतरीन, या फिर आप उसे उत्कृष्ट बोल दें, शानदार बोल दें, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, असाधारण, वो हो जाएगा आपका स्टुपेंडस। नेक्स्ट आपका पैलिंग। अपैलिंग का देखिए अर्थ होता है जो आपने सुना होगा ना, भयंकर, ठीक है, समथिंग विच इज भयंकर या फिर शॉकिंग या फिर एक्सट्रीमली बैड, उसे आप क्या बोल देंगे, अपैलिंग यहाँ पर बोल देंगे। नेक्स्ट है आपका अ नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ। तो देखिए अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसके नोटिस आप अपने इधर उधर रिश्तेदारों को भेजते हैं कि भाई ऐसा हो गया है, या न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं, तो इस नोटिस को एक्चुअली में बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है ऑबिचुरी, ठीक है, ऑबिचुरी, जिसे हम बोलते हैं निधन सूचना, इसे आप हिंदी में बोल देंगे निधन सूचना, यानी कि ऑबिचुरी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का अर्थ क्या होता है, जैसे आप ज्ञापन किसी को सोचते हैं, सौंपते हैं ना, तो इसे आप ज्ञापन पत्र बोल देते हैं, मेमोरेंडम, ठीक है, ज्ञापन पत्र, यानी कि आपने उस चीज़ों को मान लिया है। रिमाइंडर का आपको अर्थ पता होगा, रिजॉइंडर का अर्थ पता होगा। तो बेसिकली जो अगर आप किसी के डेथ की सूचना देते हैं उसके लिए आप क्या वन वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे, ऑबिचरी यूज करेंगे। नेक्स्ट है डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। तो अगर आप किसी को डिटेन कर लें या कन्फाइन कर लें, यानी कि उसको एक जगह पर लेकर आकर उसको पकड़ लें, मतलब कैद कर लें एक तरह से, ठीक है। तो अगर आपको इसके लिए कोई वन वर्ड यूज करना हो तो उसको या आपको क्या वन वर्ड यूज करना पड़ेगा उसके लिए, यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट जो सबसे यहाँ पर फिट होगा ना वर्ड, वो होगा इंटरमेंट। इंटरमेंट का एक्चुअली में अगर मैं हर हिंदी में बताऊँ, जैसे आप किसी को दफन करते हैं ना, किसी को दफन कर दें, या फिर किसी को एक ऐसा एक्ट जहाँ पर आप किसी डेड पर्सन को बरी कर दें, तो एक्चुअली में इस कंडीशन के अंदर हम इंटरमेंट का यूज़ करेंगे, जिसका एक्चुअली में जो मतलब होता है वो होता है दफन। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है इंटरप्शन। इंटरप्शन का आप सभी को अर्थ पता होगा कि भाई आप किसी की अगर बाधा डालते हैं, रुकावट बनते हैं, तो आपका इंटरप्शन वर्ड बन जाता है। इंटेरोगेशन क्या होता है, इंटेरोगेशन होता है पूछताछ करना। नेक्स्ट है आपका इंटरमेंट। इंटरमेंट का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप किसी को नज़रबंद कर देते हैं ना, नज़रबंदी करना किसी को, मतलब आपने सोसाइटी से उसको हटाकर कहीं अपने एक जगह पर रोक दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरमेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। तो देखिए मैनकाइंड की रेसेस से बनने वाली जो साइंस है उसे हम यहाँ पर किस वन वर्ड से जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको एक वन वर्ड दिया गया है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी का जैसे आपको हिंदी में बताऊँ ये होता है आपका मानव जाति विज्ञान, ठीक है, आप इसे मानव जाति विज्ञान बोल देंगे, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है मुझसे सही से, तो इसे हम एक्चुअली में बोल देंगे मानव जाति विज्ञान यानी कि एथनोलॉजी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है जीनोलॉजी। जीनोलॉजी अर्थ होता है ये आप जैसे आप वंश वाली किसी बात का अगर अध्ययन करते हैं, ठीक है, वंश वाली अध्ययन करना उसे आप जीनोलॉजी बोल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ होता है जैसे आप सच्चा ज्ञान कोई पाते हैं ना कहीं से कि यू नो द पार्ट ऑफ फिलोसफी जो कि आपको बहुत बड़ी नॉलेज देता है, सच्चा ज्ञान मिल गया है तो उसकी स्टडी के लिए आप बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट आपका सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ये क्या हो जाएगा आपका, ये समाज विज्ञान होता है, इसके बारे में सभी को पता होगा, सोशियोलॉजी हो जाएगा आपका समाज विज्ञान। नेक्स्ट है आपका वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। तो देखिए शिप पर जाकर छुप जाना ताकि उसको जाने के लिए एक फ्री पैसेज मिल जाए, ऐसी हरकत को हम क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है स्टोवे। स्टोवे का अगर मैं हिंदी में आपको बताने की बात करूँ ना, जो लोग छिपकर छिपकर जो यात्रा करते हैं बेसिकली उनको हम स्टोवे बोल देते हैं, कि ऐसा व्यक्ति जो कि फ्री पैसेज के लिए किसी शिप पर छिपता है या कहीं पर जाना चाहता है, तो ऐसी यात्रा को पाने वाले व्यक्ति को आप स्टोवे बोल देते हैं। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको कंपोजिटर। कंपोजिटर देखिए ये होता है अक्षर संयोजक, इसे हिंदी में बोलते हैं अक्षर संयोजक, यानी कि अक्षर संयोजक यानी कि अ पर्सन हु अरेंजेस टेक्स्ट ऑन अ पेज बिफोर प्रिंटिंग। तो आपने देखा होगा ना कि भाई इसका कंपोजिशन किसने किया है, हु कंपोजिट दिस फाइल या फिर बुक, तो वो हो जाते हैं जो लोग प्रिंट करने से पहले इस बुक का एकदम वर्ड टू वर्ड इन्हें कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है नहीं है। नेक्स्ट आपका स्टोकर। स्टोकर ये क्या होता है, जो कोयला होता है ना, कोयला झोंकने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कैसा व्यक्ति हुज जॉब इज टू ऐड कोल या फिर ऐड फ्यूल टू अ फायर, तो उसको हम स्टोकर बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका शिपराइट। शिपराइट देखिए वो होता है जो जहाज बनाने वाले होते हैं ना, जहाज बनाने वाले को हम बोल देते हैं शिपराइट। लेकिन यहाँ पर मैंने बात करी थी फ्री पैसेज यानी कि चोरी छुप के शिप पर अपना छुपकर निकलने वाले व्यक्ति को आप क्या बोल देंगे, स्टोवे बोल देंगे। नेक्स्ट है आपका क्लू अवेलेबल एट अ सीन। तो देखिए किसी भी सीन जहां पर भी कोई अपराध हुआ है या जो भी चीज है वहां पर जो क्लू मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये अगर यहां पर पूछा जाए तो देखिए इनके लिए आपको यहां पर वन वर्ड दिया गया है सर्कमस्टेंशियल। आपने देखा होगा ना कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर हम इसे इतने की सजा सुनाते हैं, मतलब जो क्लू मिले सीन पर जो हमें क्या मिले, इन हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल यानी कि जो आपके संयोगवश वाली चीज़ें होती हैं, जो आपको सबूत मिले वहाँ पर उनके आधार पर, तो यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल यानी कि जो क्लूज मिलते हैं सीन पर उसे आप सर्कमस्टेंशियल बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अर्थ देखिए अगर मैं हिंदी में आपको बताने की कोशिश करूँ, ये होता है आपका आप कॉपी करते हैं समथिंग, यू आर कॉपिंग फ्रॉम समवन समथिंग एल्स, या फिर यू आर नॉट हैविंग अ न्यू और ओरिजिनल आइडियाज़, तो उसे हम डेरिवेटिव बोल देते हैं, यानी कि ए चीज़ थी, ए से आपने कोई चीज़ निकाली बाहर, वो आपने उसका बी रूप बना दिया, मतलब वो आपने ए से निकाली है, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, बी ओरिजिनल नहीं है, ए ओरिजिनल था, तो बी इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा कि आपने उसे ए से निकाला है। नेक्स्ट है आपका इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल का अगर मैं यहाँ पर आपको अर्थ बताऊँ, इन्फ्रेंशियल का अर्थ होता है समथिंग विच इज रिलेटिंग टू द नेचर या फिर नेचर ऑफ इन्फ्रेंस, मतलब आप अनुमानिक बात करते हैं, आप इन्फर करते हैं, आप थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, तो वो हो जाता है आपका इन्फ्रेंशियल। नेक्स्ट है आपका सजेस्टिव। सजेस्टिव का अर्थ क्या हो जाता है, समथिंग विच इज सांकेतिक, ठीक है, जहाँ सर आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता है, आपको थोड़े से संकेत मिलते हैं, समथिंग विच इज रिमाइंडिंग यू, समथिंग विच इज मेकिंग यू थिंक, वो आपके लिए क्या हो जाता है, सजेस्टिव यहाँ पर हो जाता है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सेशन पर लाइक करना है। अगर प्लेलिस्ट आपको इसकी प्रॉपरली चाहिए तो EDU 24 आप YouTube पर सर्च करेंगे, चैनल है, मैंने वहाँ पर प्रॉपरली SP बख्शी और किरण पब्लिकेशन का आपका मैंने जो एरर डिटेक्शन है वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में ली हुई हैं, EDU 24 आप वहाँ पर जाकर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। तो देखिए अगर आप गुड फॉर्च्यून की बात करते हैं, उससे निकलने वाले एक अनएक्सपेक्टेड पीस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको आप बोलेंगे विंडफॉल। विंडफॉल का अगर मैं हिंदी में आपको मतलब बताने की बात करूँ ना, कि जो आप अप्रत्याशित जो आपको लाभ मिल जाता है, मतलब अचानक से जो आपके सामने बेनिफिट्स आ जाते हैं उसे हम बोलते हैं विंडफॉल, ठीक है, यानी कि एक अमाउंट ऑफ मनी जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपको मिल जाता है, ठीक है, उसे हम विंडफॉल बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया है फिलेंथ्रोपी। तो फिलेंथ्रोपी आप सभी को पता होगा, फिलेंथ्रोपी का अर्थ क्या होता है, जो लोग मानव से प्रेम करते हैं, ठीक है, जो लोग मानव से प्रेम करते हैं उन्हें हम मानव प्रेमी यानी कि फिलेंथ्रोपी बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का अगर हिंदी में अर्थ बताऊं, ये आपका मतलब भलाई होती है एक्चुअली में,
ठीक है, भलाई करना किसी के लिए, या फिर एन इंक्लिनेशन टू डू काइंड या फिर चैरिटेबल एक्ट, उसे आप बोल देंगे बेनिवोलेंस। नेक्स्ट आपका टर्न स्टाइल। टर्न स्टाइल का देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ना, एक गेट होता है जो कि किसी पब्लिक बिल्डिंग के एंट्रेंस पर लगा होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, टर्न स्टाइल बोल देते हैं। देखा होगा ना आपने, वो इस तरीके की रॉड्स लगी होती हैं, यहाँ से निकलता है फिर यहाँ से निकलता है, तो उस तरीके के वैल्यू को आप टर्न स्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एन अम्यूलमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम एंड सैलरी। तो देखिए अगर आपकी इनकम में फिक्स है या फिर सैलरी फिक्स है, तो उसके ऊपर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है परक्यूजिट। परक्यूजिट का अर्थ होता है हिंदी में अनुलाभ, मतलब जो आपकी सैलरी है उसके ऊपर आपको बोनस टाइप का कुछ मिल जाए तो उसे आप अनुलाभ बोलते हैं, यानी कि परक्यूजिट बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वन वर्ड करेक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का अर्थ होता है जो आप मानदेय की बात करते हैं ना, अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस। आप किसी की प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हैं, आप किसी से फायदा उठा रहे हैं, तो उसको जो आप पेमेंट करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑनरेरियम पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिनक्योर। सिनक्योर का देखिए हिंदी में अगर आपको मैं मतलब बताऊँ ना, तो ये होता है कि एक ऐसी जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स अ लिटल या फिर नो वर्क, मतलब आप यहाँ पर कुछ काम करें या कम काम करें फिर भी ये आपको उतनी ही तनख्वाह देगा, तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, सिनक्योर। नेक्स्ट आपका प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का अर्थ अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो इसे होते ऐसे आप हिंदी में बोल सकते हैं विशेष अधिकार, ठीक है, ये हो जाएगा प्रीरोगेटिव का अर्थ विशेष अधिकार, यानी कि अ राइट या फिर एडवांटेज जो बिलोंग करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप से, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीरोगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दी एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहता हूँ तो वो होता है आपका फौना, ठीक है। फौना यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं जंतु समूह, ये आपका हो जाता है जंतु समूह। पहला है आपका फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, ये आपका वनस्पति होता है, ठीक है, ये वनस्पति होता है, इसको आप सभी को पता होगा। म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम आप सबको सब पता होगा, एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर यू नो आपको आर्टिस्टिक या फिर कल्चरल या फिर हिस्टोरिकल यू नो चीज़ें मिलती हैं, वो आपके म्यूजियम हो जाता है। जू क्या होता है, जू आप सभी को पता होगा, ये आपका चिड़ियाघर होता है, आप गए होंगे, घूमते होंगे, बहुत मजे लेते होंगे। नेक्स्ट है आपका एन इन्वोल्यूशनरी एक्शन अंडर अ स्टिमुलस एंड डिस्क्राइब्ड एज अ। तो देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक्चुअली में मैं एक आपका इस तरीके के एक्शन की बात कर रहा हूँ जो आप एक्शन देने के बाद आपको मिलता है। तो क्या मिलता है आपको, वो प्रतिक्रिया मिलती है। प्रतिक्रिया को आप क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स बोल देते हैं। तो एक ऐसा इन्वोल्यूशनरी एक्शन जो कि एक स्टिमुलस के अतिरिक्त आपको डिस्क्राइब करने की अगर बात करें तो हम उसे क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स बोल देंगे, यानी कि प्रतिक्रिया, ठीक है। हिंदी यहाँ पर लिखी नहीं जाती यार मुझसे, तो माफ़ी। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया। पहला आपको यहाँ पर दिया गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्या अर्थ होता है, ये होता है आपका जटिल, कि भाई कोई चीज़ बहुत जटिल है तो आप उसे कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होता है आपका प्रतिबिंब, जो आपका किसी का रिफ्लेक्शन बनता है, यानी कि साइन दैट शोज दैट स्टेट और नेचर ऑफ समथिंग या फिर उसका इमेज दिखाए। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है, ये भी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन ये वो वाली प्रतिक्रिया नहीं होती है, ये रिस्पॉन्स होता है आपने किसी से कुछ पूछा तो उसका जवाब आया तो उसको हम बेसिकली प्रतिक्रिया बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने बात करी थी अगर आपका कोई एक्शन है उसका स्टिमुलस इन्वोल्यूशनरी जो एक्शन है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका रिफ्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज। तो देखिए एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं उसे यहाँ पर मैं किस वन वर्ड से डिनोट कर सकता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर पूछा है। तो देखिए फ्लक्स आपका यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ना, इसका अर्थ होता है कि निरंतर परिवर्तन होना, निरंतर परिवर्तन होना, रेगुलर चेंज होते रहना, उसको मैं यहाँ पर वन वर्ड बोलता हूँ फ्लक्स। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक्चुअली में मतलब परिवर्तन ही होता है, लेकिन मैं कॉन्टिन्यूस यहाँ पर मैंने कॉन्टिन्यूस बात करी थी, वो कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में आप मतलब आज इस तरीके के हैं, कल आपने ट्रांसफॉर्मेशन करके आप एकदम जीरो साइड्स हो गए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, वो आपका कैसे भी हो सकता है, आपको एक साल लगे, दो साल लगे, या फिर आप कभी हल्का फुल्का ऊपर नीचे होते रहें, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फ्लक्स सबकी क्या होता है, निरंतर ग्रेजुअली चलता रहता है। नेक्स्ट है आपका मेटामॉर्फिस। मेटामॉर्फिस का अर्थ होता है, इसे भी हम बदलाव ही बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन ये बदलाव क्या होता है, इस तरीके का प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ इस तरीके से चेंज करती है कि वो कुछ और बन जाती है, ठीक है। मतलब आप लड़का थे पहले, अब आप लड़की बन गए, तो वो एक तरह से आपका मेटामॉर्फिस हो गया, मतलब चीज़ पूरी की पूरी बदल गई। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया है डायनामिज्म। डायनामिज्म का देखिए अगर मैं यहाँ पर हिंदी में अर्थ आपको बताऊँ तो ये होता है जोश, ठीक है। अगर आप जोश से भरे हुए हैं तो मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा डायनामिज्म है। नेक्स्ट है आपका द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। तो देखिए जब आपसे पूछा जाए कोई बात, आपको सिर्फ एक शब्द कह के अगर आप उस बात से निकल सकते हैं,
लेकिन आप अननेसेसरी वहाँ पर बहुत सारे वर्ड यू नो डाले जा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हैं सर्कमलोक्यूशन, यानी कि किसी चीज़ को घुमा फिरा कर बोलना, आप सीधे बात बोल देते। तो व्हेन यू आर यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, जबकि आपको बहुत कम वर्ड्स की ज़रूरत थी, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर सर्कमलोक्यूशन कर रहे हैं। देन आया आपका सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्पेक्शन का देखिए अर्थ अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये इसे हम समझदारी भी बोल देते हैं, या आपका समझदारी हो जाए या फिर सावधानी हो जाए, आपसे बोलेंगे कि भाई अपना सर्कमस्पेक्शन कर लीजिए, तो वो आपका समथिंग विच इज यू आर नोइंग हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रेस, तो उसे हम बोल देंगे सर्कमस्पेक्शन। नेक्स्ट आपका सर्कमस्क्रिप्शन, यह आपका सर्कमस्क्रिप्शन। सर्कमस्क्रिप्शन का देखिए अर्थ होता है प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध यानी कि द एक्ट ऑफ रिट्रिक्टिंग, रेस्ट्रिक्टिंग मतलब, रेस्ट्रिक्टिंग मतलब अगर आप किसी को रोकते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वहां पर आप सर्कमस्क्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका सर्कमवेंशन। सर्कमवेंशन का अर्थ अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, इसे आप छल बोल देंगे, धोखा बोल देंगे, ये होता है आपका सर्कमवेंशन। नेक्स्ट आपका सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम, तो देखिए अगर कोई सर्कुलर बिल्डिंग है उसके ऊपर डोम लगा हुआ है, तो इसे आप किस नाम से जानते हैं, तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है रोटुंडा। रोटुंडा का अर्थ होता है कोई गोलाकार कक्ष, इसे हम बोल देते हैं गोलाकार कक्ष। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है एडिफाइज। एडिफाइज का अगर हिंदी में मतलब मैं बताऊँ, तो ये हो जाएगा आपका भवन। पैलेस, पैलेस का आप सभी को पता होगा, पैलेस क्या होते हैं आपके महल होते हैं। उसके बाद स्पायर आपको यहाँ पर दिया गया है, स्पायर क्या होता है, ये मीनार होती है। तो आप सभी को चारों वर्ड यहाँ पर पता चल गए, मैंने क्या बात करी थी, सर्कुलर बिल्डिंग जिसके ऊपर डोम लगा हो, तो इसे आप क्या बोल देंगे, रोटुंडा बोल देंगे, यानी कि गोलाकार कक्ष। नेक्स्ट है आपका द वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द होल वर्ल्ड, तो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार का एक नागरिक है, उसे आप किस नाम से जा देंगे, तो वो हो जाता है आपका कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन यानी कि जिसे आप किस और तरीके से जान सकते हैं, जो कि समस्त संसार का है, मतलब पूरे संसार में व्याप्त है। नेक्स्ट है आपका बोहिमिया। अब देखिए बोहिमिया आपको पता है, ये वो व्यक्ति होते हैं, पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद आर्ट्स, हु लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल वे, मतलब आपने देखा होगा ना बोहिमिया हमारा रैपर है, ठीक है, बोहिमिया, ठीक है, वो बोहिमिया बोहिमिया मतलब समझ रहे हो ना आप। सो समवन हु इज लिविंग हिज लाइफ इन अ वेरी इनफॉर्मल वे, हम उसे बोल देते हैं बोहिमिया। नेक्स्ट है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट, ये कितने बार ये वर्ड आ गया है, फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं जो कि परोपकारी होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनलिस्ट। इंटरनेशनलिस्ट हो जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीयवादी हों, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट कंट्री शुड वर्क टुगेदर इन अ फ्रेंडली वे, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं इंटरनेशनलिस्ट। तो देखिए ये मैंने आपके साथ यहाँ पर सेशन डिस्कस किया, आप सभी को कैसा लगा आप अपने लाइक करके मुझे बताएं, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ आपके साथ। मैं एक बार आपको बता देता हूं, तो देखिए ये है आपका अनअकैडमी लर्निंग है, इसे आप ओपन करेंगे, यहां पर आपको तीन डॉट दिखेंगे, आप जब इस पर टैप करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। जब ये इंटरफेस ओपन होगा तो आपको इस प्लस टैब में जाना है, इस प्लस टैब पर आप टैप करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होगा जहाँ पर ये नीचे टेस्ट आपको देखेगा ना, इस टेस्ट पर आपको जाना है, और इस टेस्ट पर ओपन करके आपको ज्वाइन क्विज करना है। क्विज मैं आपका यहाँ पर बना देता हूँ, आपके साथ कोड शेयर कर देता हूँ, बस मुझे एक मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं आज आपका वोकेबलरी पर सेट करता हूँ, ठीक है। आज मैं आपका वोकेबलरी पर एक यहाँ पर क्विज बनाता हूँ, और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछिए, आपको अपनी अगर तैयारी में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे वो पूछिए, ठीक है। बस आप मुझे बस एक बार कोड शेयर करने दीजिए, कैसे ज्वाइन करना है वो मैंने अभी आपके साथ बताया था कि हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, वो डॉट्स मैंने आपको दिखाए थे, वहाँ पर जाकर आपको टेस्ट के अंदर जाना है, टेस्ट के अंदर जाकर आपको कोड डालना है। बस मुझे एक मिनट दे दीजिए, मैं बस ये आपका यहाँ पर idiom and phrase और मैं आपका synonym antonym choose कर लेता हूँ, 20 questions ले लेते हैं, और 20 questions total हमारे होंगे, एक question में आपको 20 second मिलेगा, ओके। तो आज का आप कोड लिख लीजिए, आज का आपका जो कोड है वो क्या है, वो है आपका 7337330 29, ये हमारा आज का कोड है, ठीक है, ये कोड आपको दिख रहा होगा। तो उसके अलावा देखिए अनअकैडमी के बैचेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ, अनअकैडमी के बैचेस आपको मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर अगर हिंदी माध्यम में तैयारी करनी है तो ये 31st से नहीं है, ये 2nd November से बैच स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फाउंडेशन बैच आपका 2 November से स्टार्ट होगा, देन है मेन बैच जो कि है आपका चैलेंजर्स बैच, जिसके अंदर बेस्ट एजुकेटर्स 2 November से आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो इन सभी बैचेस में जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। एक GS मास्टर्स बैच है, ये 3 महीने का GS मास्टर्स है, सारे GS के बेस्ट फैकल्टीज इसके अंदर आपको क्लासेस देंगे। देन ब्रह्मास्त्र बैच जो CET के लिए तैयारी करते हैं, वो आप सभी के अंदर इसमें 16 November से स्टार्ट होगा।
देन जो भी लोग CGL CHSL के लिए जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपका होगा उसकी तैयारी करने वाले हैं तो आप इस एग्जाम में भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ थोड़ा सा बात अभी आ रही है आपको आवाज़? अभी आ रही होगी, ठीक है, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट, आई डोंट नो वो कैसे कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आपका कोई भी डाउट है, राज बलोचन मर्जी अदिति मनीषा कनन अंकिता अदिति, सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। अरे यार कोड क्या था, मैं कोड ही भूल गया, एक बार कोड शेयर कर देंगे क्या? ये था 7337330 29, ये हमारा आज का कोड है। आपको कोई एग्जाम रिलेटेड डाउट है तो आप पूछिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत था, अंकिता ने कोड शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेली हमारी 5 या 7 बजे क्लास आती है, तो आप इस सेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हुआ करें आप मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। क्विज़ ऑन कर दीजिए, मैं क्विज़ ऑन कर देता हूँ। दिल्ली पुलिस का कब है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कब है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कब है यार? 27 नवंबर था ना शायद, बाकी लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरे ख्याल से 27 नवंबर को था। बिस्वजीत सरकार ने कोड शेयर कर दिया, तो मेरे ख्याल से ठीक है। आपके साथ में यहाँ पर बना सेशन, आपको कैसा लगा आप कमेंट भी करिएगा। मैं फिर आपसे कल मिलूंगा इस तरीके के क्विज़ को मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। मनीषा ने भी कोड शेयर कर दिया है, मैं क्विज़ स्टार्ट कर देता हूँ, आप सभी लोग वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ कि कैसे ज्वाइन करना था आपको। इस तरीके का अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लस टैब मिलेगा, प्लस टैब के अंदर जाना है, प्लस टैब के बाद आपको नीचे टेस्ट दिखेंगे, टेस्ट के अंदर जाकर आपको यहाँ पर ज्वाइन क्विज करना है। और कोड हमारा क्या था, 7330 29। तो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, मनीषा विश्वजीत राहुल अंकिता अदिति, तो आप सभी लोग के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड आई डोंट नो कैसे बीच में चला गया था पढ़ाने के लिए। मिस्टर छोटू हैकर बोल रहे हैं, सर अनअकैडमी पर पढ़ाने के लिए क्या करें, कोई भी पढ़ा सकता है, एजुकेटर ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर जाकर आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, इट्स रियली ईजी। तो ठीक है यार, मेरे ख्याल से आप सभी मेरे साथ जुड़े, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। मैं कल आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।